सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम सोमवार को दो कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर परिसर में ही सफाई के लिए 17 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। वहीं नागपंचमी के अवसर पर आज दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। 17 वाहनों को हरी झंडी सीएम की तरफ से दिखाई गई। दो दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम है। गोरखपुर विकास रथ पर सवार कुश्ती प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें भी उसकी दिखा रहे हैं हम आपको। खेल की गतिविधियों को बढ़ाने की एक कोशिश। गोरखपुर महानगर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम गोरखनाथ मंदिर परिसर से नगर निगम के 18 सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सफाई वाहनों में दो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन, 15 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक मैजिक शामिल है। इन सभी वाहनों की खरीदारी पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नगर निगम का सफाई बेड़ा मजबूत होने पर सीएम योगी ने नगर निगम प्रशासन को शुभकामनाएं दी और अपेक्षा की कि शहर स्वच्छता के नए मानक स्थापित करेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर विकास के रथ पर सवार है। इसके बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया अभियान, सांसद खेल स्पर्धा और फिट इंडिया मूवमेंट से गांव-गांव खेल और खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन मिला है उसका परिणाम है कि आज हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। एक नया मंच खिलाड़ियों को दे सके, अपने खिलाड़ियों के माध्यम से भारत की शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन वैश्विक मंच पर कर सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी भी अपने आप को तैयार करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को और जिन लोगों ने पुरस्कार विजेता के रूप में, उप विजेता के रूप में, प्रतिभागी के रूप में इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया, मुझे बताया गया कि 200 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे प्रतियोगिता में भाग लिया है। यानी चीजें दिखाती है कि खेल और खिलाड़ियों के प्रति समाज की कितनी बड़ी रुचि है। सीएम योगी ने खेल को जीवन के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि शरीर को धर्म का साधन माना गया है, इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है और स्वस्थ शरीर के लिए खेल आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।